की ओर देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार सख्त हो गई है। धामी सरकार ने नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया है। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी पाबंदियां। बेवजह बाहर घूमने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी जानकारी। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। कई व्यवस्थाओं को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाया गया। उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिसने राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमे की चिंताओं को बढ़ा दिया है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रात्रि कोविड कर्फ्यू के समय सीमा में बदलाव कर दिया है, जिसके तहत अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले पर चर्चा हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया कि नाइट कर्फ्यू अब रात 10 बजे से लागू होगा। यही नहीं, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएं प्रदेश की गई थी, उन व्यवस्थाओं को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य में हर दिन कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं VIP भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कि सरकार की चिंता भी बढ़ गई है और साथ ही जो पाबंदियां थी उसमें भी बदलाव किया गया है। पहले तो आपसे राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर जानना चाहूंगी और उसके बाद जो नई पाबंदियां लागू की गई हैं उसको लेकर जानकारी चाहूंगी आपसे। देखिए पूजा, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले के अगर जो कोरोना ग्राफ आ रहे थे वो कम से कम जो है 50 और 60 के बीच आ रहे थे, लेकिन 4 और 5 दिनों के बीच जो है जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो 300 से ऊपर जो मामले जो है वो उत्तराखंड में आए हैं, और खासतौर पर देहरादून की अगर बात की जाए तो 150 से ऊपर जो मामले हैं वो देहरादून में सामने आए हैं, और उसकी चपेट में कई लोग जो है वो आ रहे हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना का जो ग्राफ जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इससे जो है अब राज्य सरकार की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ने लगी है। प्रशासन जो है वो अलर्ट हो चुका है। हालांकि जिस प्रकार से अब पहले जो है नाइट कर्फ्यू राज्य सरकार की ओर से लगाया गया था कि 11 से 5 बजे के करीब जो है रात के 11 बजे से और सुबह 5 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन अब उसमें भी बदलाव जो है कल कैबिनेट बैठक में जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है वो किया गया है। अब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही साफ जो है हिदायत जो है वो दी गई है कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग और जिस प्रकार से सैनिटाइजेशन जो है वो उसका कार्य भी जो है वो लगातार अब जो है वो किया जाएगा। सभी को मास्क लगाने की जो है वो कहा गया है, और जो भी प्रशासन को भी अलर्ट पर रहने के जो है वो दिशा निर्देश जो है राज्य सरकार की ओर से दिए गए हैं। और कृषि को भी जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन की ओर से अगर बात की जाए तो गैदरिंग को लेकर जो है साफ हिदायत जो है सभी को दी गई कि अगर कहीं पर भी गैदरिंग होती है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई आपदा एक्ट में जो है वो की जाएगी। वहीं अगर होटल प्रबंधक की बात की जाए, क्योंकि अभी जो पर्यटक है वो घूमने के लिए जो है ज्यादातर रुख जो है वो कर रहे हैं उत्तराखंड की ओर, चाहे मसूरी की बात की जाए, चकराता की बात की जाए, अगर उत्तराखंड के जो चौपता की बात की जाए, पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर भी घूमने के लिए काफी संख्या में जो पर्यटक यहां पर आ रहे हैं, तो उनको भी साफ तौर पर कहा गया है कि यहां पर आए तो लेकिन अपनी बॉर्डर्स पर जो है वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो दिखाएं, उसके बाद ही उनको राज्य में एंट्री दी जाएगी। एक और अहम सवाल आपसे करना चाहूंगी। देखिए, कोरोना काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई राज्य है जो ओमिक्रॉन के चपेट में भी आ चुके हैं, तो अगर बात उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में पर्यटन भी काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं पर्यटन भी पहुंच रहे हैं और 2022 विधानसभा चुनाव भी अब कुछ ही दिन में होने हैं, इसको लेकर पार्टियों की ओर से भी रैलियां की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं चिंताएं जो हैं सुरक्षा को लेकर वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो क्या इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए ताकि जो सैलानी दूसरे राज्य से आ रहे हैं उनको भी समस्या ना हो और उनके कारण राज्य को भी समस्या ना हो? बिल्कुल साफ तौर पर है कि क्योंकि जिस प्रकार से अब बर्फबारी जो है उत्तराखंड में हो रही है और सफेद चादर अब उत्तराखंड ने ओढ़ चुकी है, तो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई और कल देर रात भी कई जगह पर जो है बर्फबारी हुई है। ऐसे में पर्यटक जो है काफी संख्या में जो है बाहर से अब यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में जो बॉर्डर्स एरिया है वहां पर अब चेकिंग जो है वो बढ़ा दी गई है। पूरे पुलिस प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उनको साफ हिदायत जो है बॉर्डर्स एरिया पर दिए गए हैं कि जो भी बाहर से जो गाड़ी आ रही है, जो पर्यटक आज घूमने के लिए आ रहे हैं, उनकी नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो चेक किया जाए, और नेगेटिव रिपोर्ट अगर उनके पास है
तो उसके बाद ही उसको जो है राज्य में एंट्री दी जाएगी। साथ ही होटल्स प्रबंधक को भी साफ हिदायत दी गई है कि नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही उनको जो है होटल्स में एंट्री दी जाए, ताकि लोगों में जो है वो कोरोना का खतरा जो है वो ना बने। ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो अभी जो है सिर्फ 4 मामले ओमिक्रॉन के यहाँ पर आए हैं, जो अहमदाबाद और दिल्ली से यहाँ पर मिले हैं, जो देहरादून और ऋषिकेश में, देहरादून में 3 मामले हैं और ऋषिकेश में 1 मामला है। हालांकि उनको जो है आइसोलेट जो है वो किया गया है। वहीं अगर रैलियों की बात की जाए तो जिस प्रकार से यहाँ पर प्रियंका वाड्रा की जो रैली थी श्रीनगर और अल्मोड़ा में 9 जनवरी को, उसको फिलहाल जो है कांग्रेस की ओर से जो है वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार से देखा गया था, जिससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिस प्रकार से रैली यहां पर हुई थी और उसके बाद जिस प्रकार से वो पॉजिटिव पाए गए। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए सावधानी के साथ अगर सारे कार्य किया जाए तो ये सभी के लिए अच्छा होगा, सरकार के लिए भी और आमजन के लिए भी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।